तो ये हूँ सारे कट्ठे हो गए, निकले तो भावें ना निकले, इलेक्शन लड़ेगा तो कोई बुरी गल तो नहीं हैगी। हम नहीं बोल सकते, वो एक लंबर का चोर है। खान साहब वो जितना माशाल्लाह इस मुल्क के लिए मोहब्बत वतन है, इतना कोई नहीं हो सकता दूसरा। वो जेल से बचने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा, वो कौम के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। इन बेशर्मों को कहो कि जहाँ से आए हो ना वहीं चले जाओ। ये सिर्फ अवाम को बुद्धू बनाया हुआ है, अगर उन्हें डील करनी होती तो पहले डील ही कर लेता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और नवाज शरीफ जो हैं वो जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। इस हवाले से अवाम का बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयानी पर क्या रद्द अमल है, उनका क्या कहना है, आइए अवाम से जानते हैं। मुझे बताएँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान जो है वो जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है तो ये हूँ सारे कट्ठे हो गए, निकले तो भावें ना निकले, इलेक्शन लड़ेगा तो कोई बुरी गल तो नहीं हैगी। हैगी बुरी गल, क्योंकि इलेक्शन तो लड़ना चाहिए हर बंदे वास्ते बने है, तो हर बंदे नू हक भी है कि वोट पावे, तो वोट पाउन का हक इन्होंने खो लिया है। इमरान खान के में हम नहीं बोल सकते, वो एक लंबर का चोर है, ठीक है, हम शेर की तरफ हैं या लपई की तरफ? नहीं सर, ये कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब इस मुल्क के बाशिंदे हैं और साथ ही है कि खान साहब वो जितना माशाल्लाह इस मुल्क के लिए मोहब्बत है, इतना कोई नहीं हो सकता दूसरा। इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, ये ऐसे बहस करते रहते हैं बिलावल भुट्टो। अभी नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साथ साथ थे दोनों, अभी जब वोटों का टाइम आया तो वो बोलता है वो गद्दार है, वो फलाना है, वो ढींगना है, लेकिन इमरान खान हमारे लिए बेस्ट बंदा है, गरीबों के लिए, हमारे के लिए, सब के लिए बेस्ट बंदा है। वो गरीब हमारे के लिए लड़ रहा है, वो अपने के लिए नहीं लड़ रहा आज़ादी, वो सब लोगों के लिए, हमारे सारे 22 करोड़ अवाम है हमारे के लिए लड़ रहे हैं ना। वो जेल से बचने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा, वो कौम के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। वो हमारी कौम को उसने संभाला है, मतलब के वो सारा, मतलब के जो कहता है वो शरीफ आदमी है, ये जो है नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, दूसरा हो गया अपना शहबाज शरीफ, सब चोर हैं, इनका भरोसा नहीं है हमारे पे। और इमरान खान जो है बहुत अच्छा बंदा है। आप आए हमारे पत्र किस लिए आए हैं? वोट के लिए आए हैं? वोट किसको दें? राय लेने के लिए। वोट किसको डालना है? लड़ना किसके साथ है? किसके साथ? वो शेर के साथ जो अंदर डाला हुआ है, जो अंदर डाला हुआ इन्होंने। इन बेशर्मों को कहो कि जहाँ से आए हो ना वहीं चले जाओ, उन्हें बात कर दो, फिर भी हम मुकाबला कहते हैं ना, ये कोड़ा तो कोड़ा मैदान, बराबरी का मुकाबला बाहर है, बाहर कोड़ा कोड़ा मैदान, बाहर काट उन बालिया। ये सर जी सारे एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, ये हमको सिर्फ दिखावा है चैनल पे, न्यूज़ पे जी, वो उसके गिरेबान पकड़ रहा है, वो उसको कह रहा है मैं घसीटूंगा। जब ये टीवी बंद होता है, ये अंदर सारे एक ही हैं, ये एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, ये सिर्फ अवाम को बुद्धू बनाया हुआ है। अगर उन्हें डील करनी होती तो पहले डील ही कर लेता, उन्होंने आके सिर्फ इलेक्शन इस वास्ते लड़े है कि मैनू आजादी मिल जाए। वो सारे पीटीआई वाले की तो सोच नहीं हैगी, उन्होंने अपनी सोच होनी, क्योंकि वो आज सारे तुम पता है किहो जिहे ने दोवें पार्टियां। अगर डील करनी होती तो पहले ही कर, पहले दिन ही, दूसरे दिन ही अंदरों बाहर बनता। इमरान खान इंशाल्लाह जीतेगा, वो जेल भी होगा या बाहर होगा, ये इंशाल्लाह वो जीतेगा। ये फजूल बात है, चाहिए जेल में है, ये इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा, ये कोई भी नहीं आ सकते, इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, आवाम की ताकत से आएगा। नहीं, अगर उनके इलेक्शन लड़ने की वजह ये तो नहीं है कि वो सिर्फ जेल से बचना चाहते हैं? नहीं, वही बात नहीं, नहीं, सबके अपने मार्क्स हैं, कोई भी नहीं मुल्क के लिए लड़ रहा, अपने लिए लड़ रहे हैं सारे, खास करके सियासतदान, आवाम का किसी को कोई नहीं है, जान सारे अपने छुड़ा रहे हैं, किसी बहाने रिलीफ मिल जाए, कहीं से मिल जाए, आ जाके यही होना है हमारे पास, अवाम के साथ यही होना है। कहने को सारा कुछ करते हैं, वो कहते हैं मैं ये सियासत नहीं करता, उनके वाले साहब भी यही कुछ करते रहे हैं, इन्होंने भी यही कुछ किया है, हम तो यहाँ से तकरीबन 60-55 साल मेरी उम्र हो गई है, हम तो इनको यही देखते आ रहे हैं करते। जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से बात की, दो तरफा मौकफ हमारे सामने आया, एक तरफ लोगों का कहना है कि जो भी कोई इलेक्शन लड़ता है अपने मुफाद के लिए लड़ता है, अवाम के लिए, पब्लिक के लिए जो है बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता, और दूसरी जानिब ये भी जो है लोगों ने कहा है कि इलेक्शन जो है इमरान खान जो है वो अवाम के लिए लड़ रहे हैं, उनका इसमें कोई भी मुफाद नहीं है, उन्होंने हमेशा अवाम की खिदमत की है और अब भी वो
सिर्फ जेल से निकलने के लिए नहीं, आवाम की खिदमत करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि वो इक्तदार में आए और लोगों को रिलीफ फराहम करें। कैमरामैन हैरी के साथ ज़ीशान अली, मीडिया 92 लाहौर।